चरण ने क्यों बांटे लाखों सोने के सिक्के, ट्रिपल आर ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ डाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जेआर। दोस्तों, निदेशक राजा मौली की ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और अब तक 900 करोड़ का धुआंधार बिजनेस कर दिया है। ऐसे में ट्रिपल आर के मुख्य अभिनेता रामचरण ने सोने के सिक्के बांट डाले। रामचरण ने फिल्म की बंपर सफलता से खुश होकर क्रू सदस्यों को सोने के सिक्के तोहफे में दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रामचरण ने ट्रिपल आर फिल्म के पूरे यूनिट में सोने के सिक्के तोहफे के तौर पर खुश होकर बांटे। रिपोर्ट्स की माने तो रामचरण ने ट्रिपल आर फिल्म के सभी टेक्नीशियंस को 18 लाख रुपए सोने के सिक्के गिफ्ट किए। ट्रिपल आर फिल्म की यूनिट में सदस्यों की गिनती 35 है। ऐसे में रामचरण ने 11 ग्राम का वजन का सोने का सिक्का गिफ्ट किया। इसके साथ रामचरण ने अपनी दरिया दिली को यहीं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने क्रू के सभी सदस्यों को खाने पर बुलाया, साथ ही सभी के साथ तस्वीरें और उन्हें सोने के सिक्के खुद अपने हाथों से दिए। इस सिक्के पर एक तरफ रामचरण का नाम है तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है ट्रिपल आर। आपको बता दें, ट्रिपल आर की बॉक्स ऑफिस कमाई केवल अन्य भाषाओं में नहीं बल्कि हिंदी वर्जन में भी छप्पर फाड़ कमाई हुई है। ट्रिपल आर के हिंदी रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 200 करोड़ की कमाई की। वहीं रामचरण के इस कदम को लेकर उनके फैंस तारीफें करते नहीं थक रहे। रामचरण से पहले प्रभास ने भी फिल्म का काम खत्म होने पर पूरी टीम को घड़ी तोहफे में दी थी। राजा मौली की ट्रिपल आर 10 दिनों में 900 करोड़ पार कर चुकी है। यहां तक कि इस फिल्म ने रजनीकांत की फिल्म 2.0 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी तोड़ डाला है। ट्रिपल आर ने विश्व स्तर के बॉक्स ऑफिस पर 10 दिनों में 500 करोड़ का कलेक्शन कर डाला था और अब ट्रिपल आर लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ट्रिपल आर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।